तीसरे वनडे मुकाबले में अफ्रीका को बुरी तरह से धूल चटाकर टीम इंडिया ने एक नया इतिहास रच दिया है पहले टीम इंडिया ने काफी खतरनाक गेंदबाजी और बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ये बड़े मुकाबले में अफ्रीका को बुरी तरह से धूल चटाई है तो बताएंगे पूरा हाईलाइट्स इस मुकाबले में अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का नोता दिया तो अफ्रीका की शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही क्योंटन डी कोक छह रन करके पॉलेंड में लौट के उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने क्लीन बॉल कर दिया उसके बाद में मोहम्मद सिराज ने रिजा हेंड्रिक्स को आउट किया साथ में ने मनमलान को पाउलैंड में पहुंचाकर भारतीय टीम को दूसरी और तीसरे सफलता दिला दी अफ्रीका की ओर से हेनरी क्लासन काफी शानदार खेल रहे थे के स्कोर पर कुलदीप यादव ने उन्हें पोलैंड पहुंचा दिया उसके आउट हो जाने के बाद तो कुलदीप यादव ने की जड़ी निकाल दी और एक के बाद एक अफ्रीकी बल्लेबाज पोलैंड में जाते रहे और पूरी अफ्रीका की टीम निन्यानवे रन पर ऑल आउट हो गई भारत की ओर से आज मोहम्मद सिराज ने दो विकेट्स तो वहीं कुलदीप यादव ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए उसके बाद में वहीं वाशिंगटन सुंदर और शहमा जैव ने दो दो विकेट चटकाए जब वहां में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारत की ओर से शुभन गिल ने काफी तेज शुरुआत की और एक के बाद एक काफी ताबड़तोड़ अंदाज में चौके और छक्कों की बरसात कर दी तो वहीं एक बार फिर से फॉलो हुए और आठ रन करके बॉलेन लौट गए तो वहीं ईशान भी आज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और ये भी दस रन करके पॉलेंड में लौट गए उसके बाद में श्रेष एर बल्लेबाजी करने आए और शुभन गिल के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को यह बड़ा मुकाबला बहुत ही जल्दी जिता दिया और यह बड़ा मुकाबला टी ट्वेंटी के अंदाज भी, भी नहीं खेला गया बल्कि उससे पहले टीम इंडिया को जिताते हुए सीरीज को भी दो एक से नाम कर लिया गया है